हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरी बात बताई कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कभी तीसरी बात ये बताई कि हमें कभी भी किसी को ऐसा कोई दुख नहीं देना चाहिए। तो ये बातें उन्होंने सुनी और कहा कि भाई इन्हीं बातों को कल मैं आप सभी से सुनूंगा। अगले दिन आए, सभी से पूछा, सभी ने बता दिया। युधिष्ठिर का नंबर आया तो युधिष्ठिर से पूछा गया कि आप बताइए कल आपको क्या क्या शिक्षा दी गई थी, क्या बताया गया। तो युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव मुझे याद नहीं हुआ, मैं कल बताऊं। तो इसी तरह से दो तीन दिन हो जाते हैं लेकिन युधिष्ठिर उसको नहीं बता पाते। तो युधिष्ठिर की इस बात से जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो थोड़े से परेशान होते हैं और नाराज होते हैं युधिष्ठिर पर कि इतनी सी छोटी बात है और मैं तीन दिन से आपको बता रहा हूं लेकिन आप क्यों नहीं बता पा रहे। तो वो बोलते हैं कि गुरुदेव मैं कल अवश्य आपको ये सारी बातें बताऊंगा। अगले दिन युधिष्ठिर आते हैं, युधिष्ठिर से पूछा जाता है तो वो ये बातें बता देते हैं। अब तीन दिन से वो क्यों नहीं बता पा रहे थे? युधिष्ठिर ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जो झूठा हो। उन्हें जो बातें बताई गई थी उन्होंने पहले उन सारी बातों को अपने जीवन में उतारा, खुद करके देखा, दृढ़ निश्चय किया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूंगा और कभी किसी को सताऊंगा। तो अगले दिन युधिष्ठिर ने बता दिया तो गुरु द्रोणाचार्य बोले कि भाई ऐसा क्यों हुआ था कि तुमसे तीन दिन से ये बातें नहीं बताई गई थी। तो उन्होंने जवाब दिया कि गुरुदेव जब तक मैं किसी भी बात को अपने जीवन में नहीं उतार लेता तब तक मैं किसी को कोई ऐसी बात बताना उचित नहीं समझता। तो इसलिए मैं ये बातें नहीं बता पा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मैं रोजाना किसी ना किसी से झूठ बोल रहा था। इसलिए मैंने अब झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है, आगे से हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूंगा और किसी को सताऊंगा। तो ये जो कहानी है ये आपको बताती है कि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप परेशान हो तो देखिए किसी से साझा कीजिए लेकिन झूठ मत बोलिए।